सो ये गाइज, अगर आपके पास रियलमी C55 मोबाइल है और आप उसमें स्मार्ट कॉल सेटिंग को करना चाहते हैं, यानी कि आपके मोबाइल में जो स्मार्ट कॉल सेटिंग दी गई है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ और स्मार्ट कॉल के अंदर जितने भी फीचर आते हैं सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप यूज़ कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर दिए गए स्मार्ट कॉल के अंदर, तो चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद सबसे नीचे की तरफ आना है, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम सेटिंग्स, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपके स्मार्ट कॉल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर रेज टू वेक, इसको आप इनेबल कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। उसके बाद ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों जो है आपके स्मार्ट कॉल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इसको इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को अपने कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक ही आपके फ़ोन का जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको इनेबल करने से क्या होगा कि जब भी आप फ़ोन पर बात कर रहे होंगे और जैसे ही आपने कान के पास ले जाएंगे या फिर यानी कि जब भी आपके पास हैंड्स फ्री पे बात हो रहा होगा तो आप जैसे अपने कान के पास फ़ोन को ले जाएंगे तो आपके फ़ोन में जो स्पीकर होता है कान के पास उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी, यानी कि रिसीवर में से आवाज़ आने लग जाएगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही होगी, रिंगटोन बज रही होगी, तो वहाँ पर जैसे ही अपने फ़ोन को आप फ्लिप कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपके फ़ोन जो है पूरी की तरह पूरी साइलेंट हो जाएगा, यानी कि फ़ोन बजना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन सारे सेटिंग्स को आप इनेबल कर दीजिए। इन तरीके से यूज करने के बाद आप जो है अपने फ़ोन को बड़ी स्मार्ट तरीके से अपने फ़ोन की जो कॉल है उसको आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्मार्ट कॉल सेटिंग को कर सकते हैं।